हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हैं फिनोमिनल आरजे रहल चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टीम रूल्स के मेन इवेंट मैच के बारे में, जो हुआ था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस और टीम हंसन बैलर के बीच में। कमाल का मैच हुआ था, ये क्या मस्त मैच हुआ था। लेकिन इसकी एंडिंग पूरी तरीके से वियर्ड थी, मतलब कि इतनी ख़राब एंडिंग पहले किसी मैच में हो ही नहीं सकती। फिन बैलर टॉप रोप पर चढ़ गए और किसी न किसी कारण से वो टॉप रोप टूट गई, मतलब कि उसकी रस्सी टूट गई और फिन बैलर नीचे गिर गए और इस मैच का एंड हो चुका है। मतलब कि रोमन रेंस ने कड़क स्पीयर लगा के फिन बैलर को, मतलब कि डीमन फिन बैलर को हरा दिया। वो डीमन फिन बैलर जो कभी हारता नहीं है, वो डीमन बैलर कभी हारा ही नहीं है, मतलब कि NXT में वो हारे हैं, समोन जो के साथ वो हारे हैं, लेकिन मेन रोस्टर पर वो अभी तक नहीं हारे। कौन से मैच में नहीं हारे हो, लेकिन इस बार रोमन रेंस के सामने वो ना टिक पाए और रोमन रेंस ने उनको हरा दिया। और क्या बता सकते हैं, WWE की ये सबसे बड़े वियर्ड तरीके से एंडिंग थी। WWE कहाँ से सोचती है हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन WWE जो भी सोचती है वो क्रिएटिव होता है, कुछ तो भी उसका सेंस होता है, इसलिए वो उस चीज़ को कर पाते हैं। लेकिन इस मैच की एंडिंग ऐसी नहीं दिखानी चाहिए थी, कुछ तो भी अलग तरीके से एंडिंग दिखानी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। क्योंकि इस मैच में, क्योंकि अगला अपोनेंट रोमन रेंस के लिए है ब्रॉक लेस्नर, इसलिए उन्होंने डीमन फिन बैलर को हरवाया होगा। कुछ भी फैक्ट हो सकते, मतलब कि कुछ भी कारण हो सकता है इस मैच की एंडिंग के लिए। लेकिन इस मैच की एंडिंग कुछ धातु होनी चाहिए थी, मतलब कि कुछ अलग, जिससे डीमन फिन बैलर वीक भी ना दिख पाए और ज़्यादा भारी भी ना दिख पाए। लेकिन WWE ने ऐसा सोचा भी नहीं। क्या बताऊँ मैं WWE को, WWE क्रिएटिव चीज़ कुछ अधिकतर करती है, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करती है और कुछ उसका अलग ही हो जाता है। आपको क्या लगता है इस बार कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगला नेक्स्ट पेपर व्यू है क्राउन जूअर, और इसमें होने वाला है ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच। आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतेगा, वो भी कमेंट में लिखिए। और आपको क्या लगता है इस मैच की वियर्ड एंडिंग के बारे में, वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मुझे तो लगता है इस मैच में फिन बैलर जीतना चाहिए था, लेकिन रोमन रेंस के लिए भी अलग होता, क्योंकि रोमन रेंस का अगला अपोनेंट है ब्रॉक लेसनर और उसके लिए फिन बैलर नहीं होने वाला था, इसलिए रोमन रेंस ही उसके सामने टक्कर देने वाला होना था। आपको क्या लगता है इस मैच में कैसी वियर्ड तरीके से एंडिंग होनी चाहिए थी, अच्छी एंडिंग होनी चाहिए थी या बुरी एंडिंग होनी चाहिए थी? वैसे तो एंडिंग तो बुरी हो चुकी है। आपको क्या लगता है इस एंडिंग के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।